हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण दास जी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप जाना जी कृपा से सब ठीक होंगे। तो ये एक और पार्सल आया, ये सेकंड पार्सल है जो यूपी से भेजा है सोनिया जी ने। और तो थैंक यू सो मच। चलिए मैं खोल लेती हूँ पहले, ठीक है जी। तो पार्सल मैंने खोल लिया है, तो ये कुछ कपड़ा सा लग रहा है, इसको खोलते हैं और देखने से पता लगे। ये देखिए, ये साटन का बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है और ऐसे अच्छे से, और क्या है इसे वो दिखाती हूँ। तो पहले मैं खोल लेती हूँ और ये जस्ट वाओ वाओ वाली पिछवाई है। और पिछवाई का नाम भी है, क्योंकि बहुत सारी पिछवाई होती है। पिछवाई का मीन्स होता है, आप ये समझ सकते हैं जैसे हम भगवान का, जैसे जो मंदिर से जाते हैं या फिर कोई भी डेकोरेशन करते हैं उसके पीछे आप ये लगा दीजिए। आपको जिस तरह की झांकी बनानी है उस तरह से भी बहुत सारी पिछवाई अलग अलग तरीके की आती है। तो ये है वो गौचरण, पहले मैं यहां से, तो गैया की है। तो बहुत सारी गाय बछड़े सब बैठे हैं, कन्हैया के मित्र भी बैठे हैं, ग्वाले सब, और गैया कान्हा जी बंसी बजा रहे हैं। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये देखिए पूरी इस तरह से लुक आएगा सीनरी का, बहुत सुंदर सा लुक है। ये देखिए तो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत सुंदर लगी सोनिया जी ये जो आपने ये पिछवाई भेजी। और सोनिया जी कुछ हटके भी भेज रही है तो मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि कुछ हटके चीजें होती हैं तो और दिल को भाती है। देखिए अलग अलग तरह की गैया सजी हुई हैं, नंदी जी सजे हुए हैं। तो ये देखो ये हमारे कन्हैया और उनके मित्र, देखो कितनी सुंदर। और ये पिछवाई 16x19 समथिंग ऐसी है, काफी अच्छी बड़ी है, इतनी भी छोटी नहीं है, मतलब अच्छी है, काफी बड़ी है देखिए यहाँ तक। तो ये कहाँ से मंगवाई, और पिछली बार जब ड्रेस सोनिया जी ने भेजी तो वो भी मैंने बता दिया था कि इंस्टाग्राम पे कान्हा शॉपिंग वर्ल्ड पेज है, उन्होंने वहीं से ऑर्डर करी थी। क्योंकि आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं वहां भी इंस्टा पे भी, तो प्लीज आप पूरी वीडियो पहले चेक किया कीजिए, मैंने नाम उसमें बता दिया है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जहां से उन्होंने मुझे पिछवाई भेजी है, कान्हा शॉपिंग वर्ल्ड इंस्टाग्राम पे पेज है, उसका लिंक डाल दूंगी। जिसने भी खरीदनी हो तो वो आप वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है जी। हर तरह की काफी झांकियां हैं, काफी अलग अलग पिछवाई हैं, तो वो आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी देखें। तो ये देखिए, और थैंक यू सो मच सोनिया जी, बहुत ही सुंदर लग रही है। एक तो इतना मतलब, और ये कितना भी आप धो लो ये नहीं जाने वाला, क्योंकि इतना फाइन क्वालिटी अच्छे से बना हुआ है, एकदम इसके अंदर ही प्रिंट ये कर रखा है, कोई ऊपर या फिर पेंटिंग ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से ही है, बिल्कुल कपड़े के अंदर ही ऐसा लगता है जैसे छपा हुआ हो। और अगर कोई शीशे में भी कराना चाहे तो एक तरह से पूरा कराना चाहे तो करा सकता है। देखो कितनी सुंदर है ना, पूरी डिटेलिंग देखो, पेड़ पे भी अगर आप देखो चिड़िया बैठी, मतलब इतना 3D टाइप है, अलग ही दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक ये है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सब खड़ी हैं जो सखियां हैं, और बहुत, और पीछे डिटेलिंग पूरा नंदगांव गोकुल सब, मतलब कि इतना अच्छा लग रहा है वो देखने में पूरा। यहाँ भी ये मंदिर बने हुए हैं इधर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो एक तो ये है, और एक भेजी है, अब होली आ रही है तो होली कैसे पीछे रहती, तो ये होली की पिछवाई है। तो ये लिखा हुआ है होली खेल, ठीक है। तो पहले नीचे की डिटेलिंग, बॉर्डर ये है फ्लावर का पूरा अच्छे से रखा है, ये भी साटन ही कपड़ा है, और इंटरलॉक बहुत अच्छे से कर रखी है, ठीक है जी। तो पहले तो आप देख लीजिए सारे में कलर हो रहा है, बाल्टी वगैरह जो भी रखी होती है वो रखी हुई है। और यहाँ हमारी आ गई सखियां, और राधा रानी है और ये सखियां हैं। तो राधा रानी ने कन्हैया पे डारो रंग, और कान्हा जी ने देखो पिचकारी ले के भर के दही मार, ये देखिए। तो ये आपको पहले हम बीच में अच्छे से दिखाऊं, तो ये हमारे कन्हैया जी राधा रानी को पिचकारी से रंग लगा रहे हैं, और श्री जी ऐसी रंग उड़ा रही हैं। तो ये ऊपर का सारा सीन है, मंदिर आ गए ये सारे, देखिए मंदिर की झांकियां हैं इस तरह से पूरा यहाँ पे। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ पर कैमरे में इतना ही आ पाता है जितना मैं क्या करूं। ये देखिए, तो यहाँ ये कान्हा जी की तरफ सखियां खड़ी हैं, और ये पूरा रंग हो रहा है, बहुत सुंदर सी लग रही हैं। और ये राधा रानी की तरफ से खड़ी हैं, और देखो ड्रेसेस के जो प्रिंट बनाए कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल मतलब बहुत ही सुंदर। अगर मैं और क्लोजअप आपको दिखाऊं तो ये देखिए और भी अच्छे आपको दिखाई देंगे, समझ आएगा। ये देखो इस तरह से पूरी ये बनी हुई है, ये देखिए पूरा पीछे चिड़िया उड़ रही हैं, तोते उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उड़ रहा है। तो ये है पिछवाई, ये दो पिछवाई उन्होंने सोनिया जी ने मुझे भेजी, थैंक यू सो मच सोनिया जी,
दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और अब होली आ रही है तो होली के पीछे जो ये डेकोरेशन पे लग जाएगी तो और अच्छा लगेगा। जैसे हम कोई भी झांकी बनाते हैं या फिर राधा कृष्ण लड्डू गोपाल को ऐसे बिठा के पीछे एक तरह से अब लगा सकते हैं होली का पूरा लुक देने के लिए। तो ये दो बिछवाई है इतनी सुंदर, मुझे बहुत पसंद है, मतलब बता नहीं सकती। और ये ऐसी है जो लाइफ टाइम तक खराब नहीं होने वाली, इसे देख के तो यही पता लगता है। और ये बहुत अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है तो आप लाइफ टाइम तक इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं मुझे लग रहा है क्योंकि और भी ज्यादा वो लॉन्ग लाइफ करनी है तो आप पूरा इसको पैक भी करवा सकते हैं, मतलब कि फ्रेम करवा सकते हैं, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो थैंक यू सो मच इतनी सुंदर पिछवाई भिजवाने के लिए, दिल से धन्यवाद सोनिया जी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी तरह हमें प्यार देते रहो, हमारे परिवार बिहारी जी परिवार से जुड़े रहो। जय श्री राधे। और जिसको भी अच्छी लगी सोनिया जी ने इतना प्यार से मन से गिफ्ट भेजा है तो आप उन्हें ब्लेसिंग देना और बताना कैसी लगी ऐसी। और जिसको बाय करने जा दे।